आज का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वार्षिक बजट पेश करेंगे। इस वजह से किसानों और महिलाओं और युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलानों की उम्मीद है। सरकार की योजनाओं और नीतियों का भविष्य आज के बजट में साफ हो जाएगा। इस दौरान किसानों के लिए संभावित ऐलान हो सकती है। किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। कृषि सुधारों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं का ऐलान संभव है। फसल बीमा योजना और सब्सिडी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। महिलाओं के लिए हित में भी ऐलान होने की संभावना है। बता दें कि महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाओं का ऐलान हो सकता है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं पेश की जा सकती हैं। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष फंड का प्रावधान संभव है। वही युवाओं के लिए भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। रोजगार सृजन के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट में विशेष प्रावधान संभव है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड की घोषणा की जा सकती है। देश के वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। जनता की उम्मीद इस बजट से काफी ज्यादा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास को लेकर लोग सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने बजट से पहले ही सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार को आम जनता के हित में फैसले लेने चाहिए और केवल बड़े उद्योगपतियों को भी लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण आज पूरे देश की नजरों में रहेगा। किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार के बड़े ऐलानों की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह से आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत करती हैं।